अभी तो याद ही होगी, इसके दोनों पार्टों ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की थी और काफी लंबे समय से इसके थर्ड पार्ट की भी खबरें आने लगी हैं और अब जाकर इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है। लेकिन इसी बीच फिल्म की कास्टिंग को लेकर काफी फेर बदलाव हो गया है। फरहान अख्तर इस फिल्म की कास्टिंग को बिल्कुल ही चेंज करना चाहते हैं और नए एक्टरों को फिल्म में चांस देना चाहते हैं। इससे जुड़ी हुई काफी बड़ी न्यूज सामने आ रही है कि फिल्म में लीड रोल में शाहरुख खान नहीं देखने को मिलने वाले। अभी कुछ ही दिनों पहले मेकर्स की तरफ से ये बड़ी अपडेट सामने आई है कि शाहरुख खान ने डॉन 3 से एग्जिट ले लिया है। शाहरुख खान की एग्जिट लेने के बाद डॉन 3 को लेकर बड़े बड़े स्टार के नाम सामने आने लगे हैं और आप सभी को पता होगा ही कि इस फिल्म को फरहान अख्तर ही डायरेक्ट करने वाले हैं। इसीलिए फरहान अख्तर इस फिल्म में सभी जवान मूवी के एक्टर्स लेने वाले हैं। डॉन 3 फिल्म में हीरो के रोल में सबसे ऊपर ऋतिक रोशन का नाम चल रहा है और इनके बाद रणवीर सिंह का नाम। अब देखना ये होगा कि इन दोनों में से हमें कौन देखने को मिलता है। वैसे तो फिल्म की स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी है, बस अब फिल्म की कास्टिंग कंप्लीट होते ही 3-4 महीने में फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी जाएगी, जिसके बाद ये फिल्म हमें 2024 के नवंबर या दिसंबर के महीने में देखने को मिलेगी। आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।